राजा ने किया आर्य को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा उदार्य का, और वहीं एक तरफ आपको उदार्य के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली राजा ने की है आर्य को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली जो राजा होता है वो आर्य को बोलने लग जाते कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वह जो भी मेरे पास छुपे छुपे लगा दी ने हर चीज तुम कर दी थी, लेकिन झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती, अब मैं उस सभी का बदला लेने वाला हूँ। जी हाँ, और फाइनली वो आर्या का हाथ पकड़ के फाइनली उसको एक चेयर पे बैठा देता है। चेयर पे बैठाने के बाद फाइनली उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को बांध देता है। बांधने के बाद फाइनली उनको बोलने लग जाता है, और फाइनली चेयर पे बैठाने के बाद फाइनली उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है। जी हाँ, यानी कि देने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिला कि जो आलिया होती है पूरी तरीके से डर जाती है। जी हाँ, वेल उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता है कि आखिर वो क्या करने वाली होती है, वेल उसको बिल्कुल भी डर लगने लग जाता है। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिला कि जो राजा होते हैं और जो आसमा होती है वो बोलने लग जाती है कि हम इतने भी जालिम नहीं है कि जो तुम्हें इतना ज़्यादा दुख देने की कोशिश करेंगे, वेल हमें इतना शौक नहीं है कि जो तुम्हें देंगे। जी हाँ, पहले हम ये दिखाना चाहते थे कि जो तुम हमारे साथ करती थी, जो तुम राजे के साथ करती थी, आखिर उसे कैसा लगता होगा, आखिर तुम्हें कैसा लगता होगा जब तुम उसके दूसरे के साथ करती होगी। जी हाँ, वेल दोस्तों, अब देखना ही होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा उदार्य का। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय।